ड्रैगनोर एकेडमी के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम सिल्विया को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन से कह रही होती है कि तुम कितने सुंदर और ताकतवर हो ना, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। और यही कहते हुए हमें सिल्विया की पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पर ब्लैक और सिल्विया एक साथ खेल रहे होते हैं। इसका मतलब ब्लैक और सिल्विया बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त थे पर अब नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। ब्लैक के बारे में याद करते हुए सिल्विया कहती है, वो मेरा बचपन से राइवल ही रहा है, मुझे उससे जलन होती है। आखिर वो कैसे किसी का भी ड्रैगन कंट्रोल कर सकता है, इतनी अच्छी कंट्रोलिंग पावर आखिर उसने सीखी कहाँ से। और यही सारी बातें सिल्विया सोच रही होती है कि तभी सिल्विया को एक वाइल्ड ड्रैगन की सेंसनेस महसूस होती है, यानी वो ड्रैगन जिसका कोई मास्टर नहीं होता, यानी वो पूरा जंगली होता है। उस ड्रैगन की पावर लेवल को सेंस करते से ही सिल्विया उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल का सीन देखते हैं जहां पर ब्लैक रिबिका को सारी बातें बता देता है कि आखिर कैसे जंगल में दो लोग उसकी जान लेने के पीछे पड़ गए थे, उनके पास वेपन भी थे जो कि इस टाउन में मिलते भी नहीं हैं, और उसी दौरान उसे इको मिली और उसकी वजह से ही उसकी जान बच पाई है। ब्लैक से उन लोगों के बारे में जानकारी लेने के बाद रिबिका समझ जाती है कि आखिर वो कौन लोग थे। और रिबिका अपने मन में कहती है 52 साल पहले वाली लड़ाई की तबाही से वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, इस बार वो शायद पूरी ड्रैगन यूजर की पीढ़ी को ही मिठाना चाहते हैं। रिबिका अपने उसी वॉर वाले खौफनाक मंजर को याद कर रही होती है कि इसी बीच ब्लैक और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों खिड़की पर चले जाते हैं और उनकी नज़र जाती है सिल्विया पर जो कि ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर ब्लैक कहता है वो तो अपनी ड्रैगन की मदद से इसे इजीली कंट्रोल कर सकती है, तो आखिर वो उसे राइट करके कंट्रोल क्यों करना चाहती है। ब्लैक इस बात पर रिबिका जवाब देती है कि सिल्विया अपना सबसे बड़ा अपोनेंट तुम्हें मानती है पूरी एकेडमी में, और तुम किसी के भी ड्रैगन को इजीली कंट्रोल कर पाते हो भले वो ड्रैगन कितना भी पावरफुल ही क्यों ना हो। इसलिए सिल्विया चाहती है कि वो भी किसी के भी ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाए ताकि वो तुमसे पीछे ना रहे। यह कहते से ही रिबिका खिड़की खोल के सीधा हवा में पहुंच जाती है और वो अपने ड्रैगन को हवा में ही समन कर उसे राइड करने लगती है और सिल्विया को बचाने के लिए निकल पड़ती है। इस पूरे सीन के दौरान ब्लैक समझ नहीं पाता आखिर सिल्विया जैसी प्रिंसेस उसके जैसे कमजोर आदमी से क्यों जलती है। ब्लैक के यह सोचते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक और इको को देखते हैं जहां पर ब्लैक वहीं पर भी यही सोच रहा होता है कि आखिर प्रिंसेस उसे अपना राइवल क्यों मानती है। इसी बीच इको समझ जाती है कि ब्लैक किसी लड़की के बारे में सोच रहा है और उसे ठरकी समझ कर उसे डांटने लगती है कि तुम मेरे अलावा किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, तुम मेरे गुलाम हो, समझे तुम। इन्हीं सब के बीच में सिल्विया की नज़र जाती है एक स्टेच्यू पर जिसके आसपास बच्चों की भीड़ लगी होती है। यह देखकर सिल्विया ब्लैक से पूछती है आखिर ये कौन है, जिस पर ब्लैक बताता है ये इस किंगडम के पहले आर्क यूजर थे, यानी वो जो तुम्हें कवच दिख रहा है उनके ऊपर उसे ही आर्क कहते हैं। आर्क किसी भी यूजर के ड्रैगन द्वारा दिया जाता है। ड्रैगन कितना कैपेबल है, अगर वो आर्क बना सकता है, अगर वो आर्क बनाने जितनी पावर रखता है तो वो आर्क बना सकता है और अपने मास्टर को दे सकता है, जिसकी वजह से उसकी मास्टर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक की इन सारी बातों पर इको को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ जाती है और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में उसी असिस्टेंट लड़की को देखते हैं जिसने एपिसोड 1 में ब्लैक को मारने की कोशिश की थी, और वो ब्लैक को गलती से देख लेती है जिस वजह से वो सोचने लगती है आखिर ये लड़का उस खाई से गिरने के बावजूद बच कैसे गया। और यही सोच रही होती है और वो मन में कहती है क्या मैं इस लड़के को अब मार दूँ, पर नहीं, इसने मेरी जान बचाई थी खाई में गिरने से, तो मैं इसे मार तो नहीं सकती, मैं मास्टर को बताऊंगी ही नहीं कि यह लड़का जिंदा है, वैसे भी ये कमजोर लड़का है, आखिर ये करेगा भी क्या, इसे जीना चाहिए। और उस लड़की के यह कहते से ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम उसी लड़की के मास्टर को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा ही था, जहां पर उस लड़की का मास्टर एक क्लॉक टावर जैसी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर पूरे टाउन पर निगरानी रख रहा होता है। इसी बीच उस असिस्टेंट लड़की आ जाती है जिससे वो मास्टर पूछता है
अगर तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा ना इस टाउन में। जिस पर वो लड़की बताती है, यहाँ के लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं और वो ड्रैगन का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह सुन के उस लड़की का मास्टर कहता है, रिलैक्स तो हैं पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, अब यहाँ पर कोहराम मचने वाला है। मैं अपना पहला हमला अभी करने वाला हूँ। और यहाँ के अगर वो लड़का अपनी स्वाट का यूज़ करके एक बहुत ही जायंट ड्रैगन को समन कर देता है, जो कि एक मरा हुआ ड्रैगन होता है, यानी वो मिस्टीरियस आदमी डेथ यूनिवर्स से किसी भी ड्रैगन को समन करने की शक्ति रखता है, यानी सिंपल भाषा में वो पैरानॉर्मल या फिर मरे हुए ड्रैगन को भी वापिस जिंदा कर सकता है। ड्रैगन के समन होते से ही हम देखते हैं कि एको को एहसास हो जाता है किसी नेगेटिव एनर्जी का, और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग तो उस ड्रैगन को रोकने के लिए आ भी गए हैं, और उन लोगों में से रीबिका भी होती है। रीबिका अपने ड्रैगन और अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगती है। इन्हीं सब के बीच में वहां पर एको भी आ जाती है, और एको उस ड्रैगन को हराने की कोशिश करने ही वाली होती है कि एकदम से ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर खींचने लगता है। एको को इस हालत में देखकर ब्लैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, आखिर वो करे तो करे क्या, बिना ड्रैगन के बस वो एक आम आदमी ही तो है। ये सारी बातें ब्लैक सोच ही रहा होता है कि इसी बीच हम दूसरी तरफ रीबिका को देखते हैं, जिसने अपना वेपन रेडी कर लिया होता है और वो ड्रैगन पर सीधा हमला भी कर देती है, जिस वजह से उस ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, जिसे देखकर ब्लैक को ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन अब मर चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। हमले के तुरंत बाद ही वो ड्रैगन अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है। हेड को रीजनरेट करने के तुरंत बाद ही वो ड्रैगन पलट वार करता है रीबिका के ऊपर, पर रीबिका भी उस हमले को अपने ऊपर डिफेंड कर लेती है। रीबिका और ड्रैगन की लड़ाई के बीच में हम दूसरी तरफ ब्लैक और सिल्विया को देखते हैं, जहां पर ब्लैक सिल्विया से कह रहा होता है कि तुम अपने ड्रैगन को जल्दी से जल्दी समन करो सिल्विया, पर सिल्विया असल में अनकॉन्सियस हो गई थी। वो इस ड्रैगन से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो हल ही नहीं पा रही थी अपनी जगह से। सिल्विया को इस माहौल में ऐसा अनकॉन्सियस बैठा हुआ देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है, और वो सिल्विया से कहने लगता है, तो तुम यही थी तुम्हारी रॉयल फैमिली, यही था तुम्हारा सबसे अच्छा ड्रैगन होना, कुछ भी नहीं था, तुम बस एक कमजोर लड़की हो जो कि बस डर के सी बैठी हुई है। ये सब सुनने के बावजूद भी सिल्विया को रिप्लाई नहीं देने पर ब्लैक इरिटेट हो जाता है और वो सिल्विया को थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर रीबिका और इको की जान दांव पे लगी हुई है, उठो तुम डरपोक कहीं की। ब्लैक के हाथ से थप्पड़ खाते से ही सिल्विया जाग जाती है और वो जल्दी से अपने ड्रैगन को समन कर लेती है और फाइट के लिए बड़ी हिम्मत जुटाकर तैयार हो जाती है और उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ एको को देखते हैं, जो कि उस ड्रैगन के पेट में डाइजेस्ट होने ही वाली थी कि तभी उसे एक स्पेशल क्रीचर यानी कि एक स्पेशल स्पिरिट समन कर लेती है और उसे ब्लैक के होलोग्राम दिखाते हुए कहती है, क्या ब्लैकेश तुम्हारा मास्टर है? जिस पर एको कहती है, नहीं मैं उसकी मास्टर हूँ, हाँ कह सकते हो कि वो मेरा मास्टर है। एको को जवाब सुनते से ही वो लड़की एको से कहती है, वैसे तो तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा फियरलेस है, वह इस ड्रैगन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर बिना आर्क के वो इसे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि बिना ड्रैगन के है तो बस वो एक आम इंसान। ये सारी बातें सुनने के बाद एको उस लेडी से कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि तुम एक आर्क बना सकती हो, तुम भी तो एक ड्रैगन हो ना, और वैसे भी मेरे इस मेंशन में यानी इस वर्कशॉप में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। यह कहते से ही वो लेडी एको के आसपास बहुत सारे आर्क के पार्ट्स को ले आती है। अपने आसपास इतने सारे पार्ट्स देखकर एको कुछ समझ नहीं आता और वो उस लेडी से पूछती है कि मैं अब इन सारे पार्ट्स की मदद से ब्लैक के साइज का आर्क कैसे बनाऊं। जिस पे वो लेडी बताती है कि ये रहा ब्लैक का साइज, और बात रही इन पार्ट्स की तो ये सारे पार्ट्स इनफ है एक बॉडी आर्मर को बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए, तो तैयार हो जाओ इको एक अच्छा सा आर्क बनाने के लिए। उस लेडी की ये बात सुनकर इको बहुत जल्दी जल्दी आर्क बनाने लगती है, और वो एक इंसान है तो वो ड्रैगन के मुकाबले ज़्यादा समझदार होगी एक अच्छा आर्क बनाने के लिए। और इको ने सुबह ही ब्लैक के मुंह से कई सारी बातें सुनी हैं आर्क के बारे में,
कि आखिर कैसे कोई आर्क पावरफुल बनता है। इसलिए ईको उसी आर्क को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी आर्क को बनाने लगती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ ब्लैक को देखते हैं, जिसने अभी तक हार नहीं मानी है। वो इस ड्रैगन को हरा कर ईको को इस ड्रैगन के अंदर से बाहर निकालना चाहता है। वो बार बार अपने स्टिकर्स का इस्तेमाल कर ये पता कर रहा होता है कहीं ईको मरी तो नहीं है, और वो चिल्ला कर कहता है, ईको तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, मैं इस ड्रैगन को ज़रूर से हराऊंगा। और ये सारी बातें ईको भी डोमेन में से देख और सुन रही होती है। ब्लैक को अपने लिए इतना करता हुआ देखकर ईको काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और वो बहुत ही जल्दी उस आर्क को बना देती है। और इतनी जल्दी इतना अच्छा और परफेक्ट आर्क देखकर वो लेडी भी काफ़ी हैरान हो जाती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो आर्क ऑटोमेटिकली ही ब्लैक के ऊपर शिफ्ट हो गया है। यानी जब भी कोई ड्रैगन आर्क को तैयार कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ही उस ड्रैगन के मास्टर के पास शिफ्ट हो जाता है। आर्क पहनते से ही ब्लैक सिल्विया से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है सिल्विया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर तुम्हें अब आराम करना चाहिए, यहाँ से मैं संभाल लूँगा। ब्लैक सिल्विया से यह कहकर आगे बढ़ जाता है, और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं सारे ड्रैगन्स को ठीक ठाक कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं इस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर ही सकता हूँ। और यह सोचकर ब्लैक उस ड्रैगन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर में ब्लैक उस ड्रैगन को कंट्रोल करने भी लगता है, और उसे काफ़ी ऊपर ले जाकर उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है और पूरा आसमान साफ हो जाता है। और सही समय पर ब्लैक गिरती हुई ईको को भी जाकर बचा ही लेता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोगों ने स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में छोटी सी पार्टी रखी है अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी सब के बीच में रीबा का ब्लैक और सिल्विया को किस करती है, जहाँ पर ब्लैक तो काफी शर्मा जाता है और बेहोश होने जैसी हालत में आ जाता है। यह देखकर कि वो किसी और लड़की के लिए शर्मा रहा है, ईको उसे मारने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमारा ये एपिसोड तो एंड हो गया, पर गाइस जैसा कि हमने एपिसोड में देखा था कि उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा था कि ये उसका पहला हमला है, यानी वो और भी हमले करने वाला है और उसकी और भी सारी पावर्स हम जानने वाले हैं। और आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है, जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में।